जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास महिंद्रा कंपनी की वेरिटो गाड़ी आई हुई है। तो आज का ये हमारा नया वीडियो है वेरिटो गाड़ी का। ये चार्जिंग गाड़ी है। तो फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम क्या है हम आपको बताएंगे। फ्रेंड, सबसे पहले तो हम इसका इंजन कंपार्टमेंट दिखाएंगे। ये देख सकते हैं पूरा चार्जेबल है। ये देख सकते हैं पूरा रूम है वायरिंग का। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें फ्रेंड प्रॉब्लम क्या है, जब ये गाड़ी वाले बैटरी चार्ज करके 100% गाड़ी खड़ा करते हैं तो 2 से 3 घंटे में पूरा बैटरी इसका डिस्चार्ज हो जाता है। तो फ्रेंड, उसको हम चेक करेंगे कि वो बैटरी क्यों डिस्चार्ज होता है, बैटरी का प्रॉब्लम है कि किसी वायरिंग का प्रॉब्लम है कि किसी सेंसर का प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है हम पहले चेक करेंगे फिर आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम इसका अंदर का जो भी सीट व्यूट है उसको ओपन करते हैं, क्योंकि इसका वायरिंग का जो रूम है वो अंदर से कारपेट के अंदर से दिया गया है। तो हमको सबसे पहले इसका सीट व्यूट ओपन करना पड़ेगा और कारपेट ओपन करना पड़ेगा, तब हमें वायरिंग का रूम दिखेगा। तो हम उसमें चेक करेंगे कोई सॉकेट थ्रू कोई रस्ट तो नहीं पकड़ लिया है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो हम इसका सीट व्यूट ओपन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने इसका कारपेट वारपेट सब ओपन किया, देख सकते हैं हमने पीछे का आगे का सीट सब निकाला है। देखिए वायरिंग का लूम है पूरा है, ये देखिए। तो हमने इसका जो भी कपलर वपलर आता है, देखिए ये सारे कपलर हमने ओपन करके और इसको साफ़ करके लगाया है। ये भी देखिए, इसका भी कपलर हमने ओपन करके साफ़ करके लगाया है। ये देखिए पूरा वायरिंग है, आगे से पीछे तक पूरा गया है। फ्रेंड इधर आइए, ये देख सकते हैं पूरा जितने भी कपलर है हमने सब ओपन करके इसको साफ करके लगाया है। ये वायरिंग भी हमने पूरा चेक किया है, कहीं से कुछ कटा होता है, ब्रेक नहीं है। तो फ्रेंड हमने पता किया है, तो इसका पीछे साइड में एक सेल बॉडी आता है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका सेल बॉडी है, जो फ्रेंड जब चार्जिंग करते हैं तो चार्जिंग को ये कंट्रोल करके रखता है। अगर ये ख़राब हो जाने के कारण भी आपका, अगर ये ख़राब हो गया तो भी आप फुल 100% चार्ज करेंगे तो 1 से 2 घंटे में आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि चार्जिंग का जो भी कंट्रोलर है वही है। तो फ्रेंड हम उसको ओपन करके बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के चेक करते हैं कि शॉर्ट आउट कुछ तो नहीं है। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, इसमें 4 स्क्रू आता है। ये 4 स्क्रू आप ओपन करेंगे तो ये सेल बॉडी बाहर आ जाएगा। ये 4 स्क्रू हमने ओपन कर लिया है, अब इस जो सेल बॉडी है इसको हम बाहर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये सेल बॉडी हमने बाहर ओपन कर लिया है। ये देख सकते हैं, देखिए ये जितने भी IC आते हैं सारे काले हो चुके हैं। देखिए ये पूरा ब्लैक हो चुका है। ये देखिए IC शॉर्ट हो चुका है, ये वाला IC शॉर्ट हो चुका है। नदी से दिखाइए, देखिए पूरा काला हो गया है, ब्लैक हो गया है। ये फ्रेंड पानी जाने के वजह से हुआ है। तो फ्रेंड हम एक काम करेंगे, ये तो फ्रेंड जल्दी अवेलेबल नहीं होगा, तो हम इसे पहले सबसे पहले तो अवेलेबल करते हैं, पता करते हैं कि एक सेल बॉडी कहाँ पे मिलेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, मिलने के बाद और उसके बाद आपको ये फिट करके हम दिखाएंगे दूसरा अरेंज करके। ठीक है, तो फ्रेंड हमने इसका सेल बॉडी जो है दूसरा अरेंज कर लिया है। अब हम फिट करेंगे गाड़ी में और फिट करके और उसके बाद फिर चेक करेंगे कि हमारे जो बैटरी चार्जिंग का जो प्रॉब्लम था जो डिस्चार्ज होने का, वो सॉल्व होता है या नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें 3 सॉकेट है, देख सकते हैं इस सेल बॉडी में, और जैसा कि हमने आपको बताया था 4 स्क्रू है। देखिए हम 4 स्क्रू फिट करेंगे। सबसे पहले तो इसका 2 स्क्रू फिट करते हैं और फिट करके इसका चार्जिंग लगा कर और चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं ये इसका जूना वाला है सेल बॉडी और इसका नया हमने इसमें फिट किया है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका चार्जिंग का केबल है, इसका लोकेशन देखिए वहाँ पर इसको लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमने चार्जिंग का केबल लगा दिया है, अब इसका बटन हम चालू करते हैं और चेक करते हैं। वो देख सकते हैं फ्रेंड, तो देखिए दोनों लाइट आपका जलना चाहिए, ये तीसरा लाइट नहीं जलना चाहिए। देखिए अगर तीसरा लाइट जल रहा है, जलेगा तो समझ लीजिए फोल्ड है आपके गाड़ी में कुछ, तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। इसके लिए लिख के इसमें दिया है पावर चार्जिंग फोल्ड करके। ठीक है, दोनों लाइट आपका जलेगा, अगर ये बीच का लाइट आपका ब्लिंक कर रहा है तो समझ लीजिए आपका बैटरी चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको फ्रेंड 100% चार्ज करेंगे।
100% चार्ज करके फिर दिन भर खड़ा रखेंगे, और खड़ा रख के फिर चेक करेंगे हमारा जो बैटरी डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसका चार्जिंग का केबल तो लगाया है, लेकिन फ्रेंड ये गाड़ी चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए जब आपका चार्ज होने लगेगा तो मीटर पे ग्रीन लाइट करके आप ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड क्या होता है कभी कभी, मतलब ये सर्वर इसको समझ लीजिए जैसे एक सिस्टम रहता है वो पूरा ऑफ हो जाता है, तो ये आगे एक स्विच दिया है जिसको आप प्रेस करके रखेंगे तो फिर से ऑन हो जाएगा। तो हम एक बार वो स्विच ओपन दबा कर देखते हैं। ठीक फ्रेंड यहाँ पे स्विच है, तो दोनों साइड से इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमने इस बटन को प्रेस करके स्लिप मोड में जो गया था उसको ऑन कर दिया है। अब हम चार्जिंग का बटन चालू करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा सिलेंडर ब्रेक पर लगा के रखा है। बटन चालू कीजिए। देखिए फ्रेंड ये हमारी गाड़ी चार्ज होने लगी। ये देखिए ये जो ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रहा है ये चार्जिंग का लाइट है कि हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है करके, ये आपको दिखाता है कि हाँ आपका गाड़ी चार्ज हो रहा है। तो कभी भी आप देखिएगा अगर ये लाइट नहीं जल रहा है तो समझ लीजिए आपका गाड़ी चार्ज नहीं हो रहा है। और इसमें अभी थोड़ी देर बाद देखिए साउंड भी चालू होएगा चार्जिंग का, आपको हम आगे से साउंड सुनाते हैं। इसका जो मोटर है वो देखिए ऑन है, मतलब चार्ज हो रहा है आपकी गाड़ी। ये साउंड भी आपकी गाड़ी में आना चाहिए, इसका साउंड सुन सकते हैं, थोड़ा नजदीक से सुनाइए। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको 100% चार्ज करते हैं। 100% चार्ज करने के बाद जो हमारा कस्टमर का कंप्लेंट था कि 2-3 घंटे बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, तो हम इसको कम से कम 6-7 घंटा छोड़ देंगे 100% चार्ज करके, उसका चेक करेंगे कि हमारा कितना परसेंट बैटरी डिस्चार्ज होता है। ठीक है फ्रेंड, कम से कम 6-7 घंटे में 2-3 या 4% आपका बैटरी डिस्चार्ज होना चाहिए, तो समझिए आपका गाड़ी एकदम बराबर है। तो फ्रेंड अब हम इसका फाइनल फिटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसका वायरिंग जो पूरा लूम जो ओपन किए थे उसको टेपिंग करने जा रहे हैं। टेपिंग करके ये देख सकते हैं पूरा टेपिंग कर देते हैं, टेपिंग करके फाइनल करके फिर कारपेट ऊपर लगा के सीट उट लगा कर फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड हम इसका वायरिंग चालू कर रहे हैं टेपिंग करना। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा वायरिंग टेपिंग कर लिया है, आगे भी टेपिंग कर रहे हैं देख सकते हैं। तो पूरा हम पहले टेपिंग करके लेते हैं, देख सकते हैं पूरा पीछे से आगे तक हमको टेपिंग करना है वायरिंग, तो अच्छे से पूरा इसको टेपिंग करेंगे। टेपिंग करके इसका जो भी हमने कारपेट वारपेट ओपन किया है कारपेट भी लगाएंगे, सीट भी लगाएंगे। ये देख सकते हैं हम इसका स्क्रू भी फाइनल जो ओपन किए तो भी लगा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने इसका पूरा जो भी वायरिंग ओपन किया था पूरा हमारा फाइनल टेपिंग हो चुका है, देख सकते हैं हमने पूरा फाइनल टेपिंग कर दिया है। अब इसका हमने जो कारपेट वारपेट ओपन किया था वो सब लगा रहे हैं, देख सकते हैं हमारा कारपेट फिटिंग करना चालू हुआ है, देख सकते हैं यहाँ से जो भी चीज़ें हमने ओपन किया था रिले विले बॉडी वॉडी सब हमने फिट कर दिया है। अब इसका सीट लगाना बाकी है तो इसका हम सीट लगाएंगे। पीछे का भी देख सकते हैं हमने जो भी ओपन किया था सारा चीज़ें फिटिंग कर दिया है, देख सकते हैं हमारा पीछे का भी कारपेट वारपेट लग गया है साइड का। इसका बैटरी चार्जिंग में लगा के रखा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका 100% हम देखते हैं 100% चार्ज होने के बाद फिर इसको फाइनल करके हम खड़ा करके गाड़ी रखेंगे 5-6 घंटे के लिए, और उसके बाद चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो हमने चार्जिंग केबल लगाया है ऑटोमेटिक कट ऑफ हो गया है, इसका मतलब हमारा चार्जिंग 100% फुल हो गया है। एक बार ऑन करके देखते हैं हम कि हमारा चार्जिंग कितना है, देख सकते हैं केबल लगा हुआ है लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि फुल चार्ज होने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। ये देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारा फुल 100% चार्ज हो चुका है, देखिए 100% मीटर में आ रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड ये देखिए पूरा 100% हमारा चार्ज हो गया है। ये देख सकते हैं यहाँ भी मैं 100% पूरा दिखा रहा है पूरा पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, एक बार हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा स्टार्ट बटन है, ये देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए इधर मीटर पे लिख के आ रहा है, ये देखिए रेडी टू ड्राइव करके
ये हमारा गाड़ी स्टार्ट है। थोड़ा हम आगे पीछे करते हैं। फिर हमारी गाड़ी भी आगे पीछे हो रही है, गाड़ी भी हमारी साथ है। अब हम इसको 6-7 घंटे के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, इसका बैटरी चेक करने के लिए कि हमारा बैटरी जो डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, देखते चाहे मिल गया। हमने आपको सुबह बताया था कि विनेटो गाड़ी है हमारी महिंद्रा कंपनी की, तो हमने इसको सुबह फुल चार्ज करके रखा था। कुछ 11 बजे हमने इसको 100% किया था, अभी शाम का 6 बज रहा है। तो फ्रेंड हम इसको एक बार ऑन करके चेक करते हैं हमारा बैटरी डाउन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, देखिए अभी भी हमारा मीटर पे 100% फुल चार्ज है, 1% भी डाउन नहीं हुआ है, ये देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड पूरा 100% का 100% है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो पॉइंट दिखा रहा है 100% का, उसमें भी पूरा 100% है। फ्रेंड इसमें क्या होता था, पहले 2 से 3 घंटे में बैटरी पूरा जीरो करके आ जाता था। ये मीटर पे जो 100% दिख रहा है वो जीरो हो जाता था और गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होता था। तो हमने फ्रेंड इसमें आपको बताया था कि इसका सेल बॉडी जो आता है वो हमने रिप्लेस किया है। चाहिए तो आपको एक बार स्टार्ट करके भी दिखाते हैं। देखिए ये देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, देखिए रेडी टू ड्राइव करके लिख के आता है हमारे मीटर पे। फ्रेंड जो ये हमारा जो गाड़ी में कंप्लेन था बैटरी डिस्चार्ज होने का, वो हमारा सॉल्व हो चुका है। आपके सामने हमने इसको दिखाया है, सुबह का हमने 100% चार्ज करके रखा था, अभी शाम के 6 बज चुके हैं, हमने चेक किया 100% का 100% है, 1% भी डाउन नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको सुबह तक एक बार और रखेंगे, एक बार कल सुबह मॉर्निंग में आके 9 बजे और एक बार चेक करेंगे कि कितना परसेंट उतरता है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि अभी हमारा बंद होने का टाइम हो गया है, 9 से 6 हमारा टाइमिंग है गैरेज का, तो 6 बज चुका है, तो इसके लिए हमने अभी चेक कर लिया है, तो अभी 100% पूरा है। ठीक है फ्रेंड, और सुबह सुबह हम 9 बजे आएंगे, उसके बाद एक बार चेक करेंगे कि 1% या 2% कितना परसेंट रात भर में डाउन होता है। हमने आपको बताया था कि हम सुबह सुबह आके इसको चेक करेंगे कि हमारा कितना परसेंट डाउन हुआ है बैटरी, तो हम चेक करते हैं फ्रेंड कितना परसेंट बैटरी डाउन हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारा रात भर में कल सुबह 11 बजे से लेकर के रात भर गया, हमारा पूरा कल 11 से पूरा दिन गया, रात गया, अभी सुबह हम 9 बजे आए हैं अपने ड्यूटी पे, तो इसको चेक किए हैं, तो देखिए हमारा 95% खाली, मतलब अभी तक पूरा चार्ज है, 5% बैटरी डिस्चार्ज हुआ है, इसका मतलब हमारा गाड़ी ओके है। आपको हम नज़दीक से दिखाते हैं, ये देखिए देख सकते हैं 95% हमारा चार्ज है मीटर पे, देखिए 95% चार्ज दिखा रहा है। ठीक है भैया, तो ये हमारा गाड़ी ओके हो गया है, क्योंकि पहले फ्रेंड क्या होता था 1 से 2 घंटे में पूरा जीरो हो जाता था ना, अगर 100% हम चार्ज करके रखते थे 2 घंटा गाड़ी डाउन मतलब खड़ा कर देते तो पूरा 0% हो जाता था, 1% भी चार्ज नहीं रहता था। ठीक है फ्रेंड, हमारी गाड़ी भी चालू हो रही है, 95% हमारा चार्ज भी है, तो हमारा गाड़ी पूरी तरह से ओके हो चुका है। क्योंकि फ्रेंड ये गाड़ी हमारे पास टो करके आया था, क्योंकि चार्जिंग भी इसका नहीं हो रहा था, तो हमने चार्जिंग का जो केबल आता है उसको पूरा मॉइस्चर पकड़ लिया था, तो उसको WD-40 मार के पूरा हवा मार के क्लीन करके इसका चार्जिंग का कनेक्टर भी हमने ओके किया, और ये जो हमारा बैटरी डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था वो भी हमने सॉल्व किया। इसमें हमने जो आपको बताया था सेल बॉडी हमने इसमें रिप्लेस किया है, वो सेल बॉडी क्या करता है फ्रेंड, जो बैटरी का जो भी जितना भी ये रहता है जो चार्ज का कंट्रोलर उसको कंट्रोल करता है, और उसे मतलब दिखाता है मीटर पर आपका बैटरी कितना चार्ज है क्या है, वो सब वो काम करता है, तो हमने इसमें वो सेल बॉडी रिप्लेस किया है। ठीक है फ्रेंड, तो आज का हमारा ये वीडियो था बैटरी डिस्चार्ज का, ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है फ्रेंड, इसमें क्या रहता है काम करने के लिए बहुत आदमी सोचता है, हमने भी हमको भी इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन हमने भी फिलहाल पहली बार हमारे पास ये गाड़ी आई थी तो हमने भी कोशिश किया, हारसिस भी सक्सेस हो गया है और हमारा गाड़ी भी ओके हो गया है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।